गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो कल से हम लोग चाह रहे थे बारिश आ जाए, तो रात से ही बारिश है। मौसम बहुत अच्छा हो गया और मैं दिखाती हूँ दो पिल्लू कहाँ हैं और हमारे घर के दो पिल्लू कहाँ हैं। पहले इन बड़े पिल्लू को देखो, ये पिल्लू भाई साहब आंख बंद करके बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में एक और, तू कहाँ पड़ा है? ओ कैसे पड़ा है तू? चल खड़ा, घूमे जाना है, वॉक के जाने, चल खड़ा। बारिश नहीं बंद होगी आज, ऐसे धीरे धीरे पड़ती रहेगी। वैसे बारिश ज्यादा तेज नहीं है, ऐसे इतने हल्की हल्की पड़ रही है, तो मैं सोच रही नवाब को घुमा लूं। फिर कब होगेगा तू? हैं? अच्छा बड़ी बदतमीज़ है यार ये। रात को भी जैसे हम लोग इनके पास आ रहे थे ना, तो गुस्सा कर रहे थे ये लोग। अभी से अग्रेसिव बनेगा है, अभी से अग्रेसिव बनेगा। चलते हैं नवाब साहब को वॉक कराने, क्योंकि बारिश तो मुझे लग रहा है ऐसी चलती रहेगी। साथ में गोलू गोलू भी जाएंगे। तो मॉर्निंग जाने से पहले हमारे घर का रिचुअल है, मैं नवाब को बहुत सारा प्यार करती हूँ और नवाब भी बदले में मुझे उतना ही प्यार नहीं करता है, लेकिन मैं तो करूँगी, मैं तो माँ हूँ, मैं तो करती रहूँगी। हाँ आप मत करो, आप मम्मा की इंसल्ट करते हो ना, हमेशा बेइज्जती करते हो, पापा को प्यार करते हो। कोई बात नहीं, एक दिन बैठ के बात करेंगे इस बारे में। तो हमारी सेना रेडी घूमने जाने के लिए है। गोलू ताशु भाई जल्दी व्लॉग खोलो। और ये जो बारिश है सुबह 4 बजे से पड़ रही है, जो बच्चा है ना कालू, ये बहुत ही अच्छा है, इसके ना ऐसे गुर्राने पे मत जाना, बस ये इतना ही है, ठीक है। और ये जो ये लिमिट देख रहे हो, इस लिमिट से बस 100 मीटर जाता, 100 मीटर भी नहीं बस। ये देखो ये आ गया चिंटू, वो पिल्लू, पिल्लू कर टिल्लू टिल्लू, ए नहीं। ये देखो अब हम इससे ज्यादा आगे जा नहीं सकते वॉक कराने। ये देखो पकड़ियो भाई इसको, पकड़ियो पकड़ इसको, पकड़ भाई पकड़ ले। तो मैं बता रही थी वो क्या हुआ कि टिल्लू आ गया, और टिल्लू है बहुत ज्यादा पजेसिव, जैसे बाकी सेक्टर के डॉग्स है ना, तो वो रिगार्ड रखते हैं इस चीज का कि दीदी खाना खिला के जाते हैं, तो दीदी के डॉग को नहीं कुछ बोलना है, लेकिन टिल्लू नहीं मानता इस बात को। कोई बात नहीं, होते हैं कुछ लोग ऐसे तो, लेकिन टिल्लू है बहुत प्यारा, आप सब देखते ही हो उसे, एकदम मस्त, इतना मतलब ऐसे पागल जैसे होता है ना, कोई किसी का पागल सा आशिक होता है, ऐसे है वो मेरे और रोहन के लिए। तो आज तो पार्क को पानी देने की नीड ही नहीं पड़ी। और फिर मैंने चेक किया कि कहीं कहीं क्या क्या फूल आया है, तो फूल ये आया है रेड कलर का गुड़हल प्यारा, और एक ये कली आ रही है, अभी ये भी आएगा। इधर ये कल के हैं, बाकी इधर देखती हूँ, इधर भी कलियाँ आ रही हैं मोगरा पे, ये भी आ जाएगी। और इधर दो खिले हैं, और ये वाले तो हमेशा फोर एवर ही हैं, खिलते ही हैं। ये देखो ये हमारी बच्चा पार्टी सो रही है इधर गाड़ी के नीचे। और मौसम देखो, बच्चा पार्टी को मत देखो, आज तो मौसम देखो इतना सही हो रखा है ना। ये आ गई सपना, हाँ जी किसे पकड़ू, तुम्हें पकड़ लूं, तुम्हें पकड़ लूं। जैसे इनके पास जाओ ना वैसे चिल्लाने लग जाते हैं, देखो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है दोनों। देखो ये क्यों रो रहा है भाई, ये पूरे पार्क में हंड के आया है, ये देखना देखना कितना रो रहा है, कितना रो रहा है, लगा पड़ा है इसको। देखो खुजलू से को इसका ना बैंडेज हटाया रोहन ने, रोहन को ताशी को बदबू आ रही है बहुत ज्यादा, बहुत गंदी बदबू आ रही है। पपी से मिलने गए हो क्या तुम, क्यों आ रहे हो बाहर, तुम क्यों निकले अंदर गाड़ी के अंदर। तो रोहन अब लेके आए हैं अपना हॉस्पिटल, हमारा मिनी हॉस्पिटल है ये, इसमें से कुछ बैंडेज निकाल के फिर करेंगे इसको बैंडेज, क्योंकि इसमें हमने बैंडेज हटा ली अपनी, और उसमें मक्खी बैठ रही है, और जितनी ज़्यादा मक्खी बैठेंगी मैगेट्स उसी चीज़ से बढ़ते हैं, वही तो करती है घाव। देखो इसमें बैंडेज हो गया, हाँ सब कुछ टेंशन ना लो, ये ठीक चीज है। यो ए छी नो बोलो, साइड में जाओ। नवाब ने इस पप्पी को गर्दन से उठाने की कोशिश कर रहा है, बनाऊं तुझे मम्मी, हैं? बनाऊं मम्मी तुझे भी, अगर तूने इसको उठाने की कोशिश की तो। तो यहाँ पे हमने इस छोटे से पिल्लू की पत्ती कर दी, हमने नहीं रोहन ने, ये बांध दिया इसका पेट, ऐसे लग रहा है एप्रन से बना दियो इसको, ले इधर से भी कर, इधर से भी कर दो हाँ, ताकि निकल ना पाए इसे, उसको देखो डॉक्टर एक सेकंड। ये देखो ये देखो, ये पता नहीं नवाब से क्या कहना चाह रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही सीरियसली। देखो कुछ नहीं कह रहा है वो तुझे, ओवर एक्टिंग कर रहा है तू,
नवाब तो उसके फिर से, अरे यार कैसे डॉक्टर यही तो पहले था यही नहीं नहीं वे अब आप डॉक्टर नहीं हो भाई, ये उपाधि आपसे ली जाती है, फेल हो गए दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा आपको, सारी खराब कर दी देखना, ये तो उसकी पुरानी है बैंडेज, खैर रोहन देखो छोटा सा बच्चा भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहा है, अबे यहाँ से लास्ट से काट, तू क्या चेक करने आ रहा है बार बार, फाइनली इस बार डॉक्टर रोहन त्यागी पास हो गए इस वाले एग्जाम में, कोई टेप खा, चलिए सर चलिए थोड़ा चलने की कोशिश कीजिए, ऐसे बता बता के बिचारों को कुछ भी खिलाती रहती हो, नहीं नहीं तुझे पता है मैं कौन हूँ, गिरेगा देखो, तो तुम दवाई खिलाई इसमें डेडी, और उसकी अभी दूंगी, अभी इसको लोशन भी लगाना पहले, ओके की स्किन इसको ले लिया, कह रहा ये देखो मैंने अपने आपको हैंड ओवर कर दिया है आपको, मैं लेट चुका हूँ अभी लगेगा आपको ये, हाँ लग गया, क्या कह रहा है बस डॉक्टर बोल रहा सुनाता है, जल्द ठुसवाता है उसके बाद फिर देखता है, हाँ तो नाउ यू आर डॉक्टर और तेरी बुआ है वो कंपाउंडर है, और आप दूसरे कंपाउंडर बना रहे हो, हम दूसरे कंपाउंडर अपने आप को छुपा रहे हैं, ठीक है, और हमारे घर आज बन चुका है पूरा हॉस्पिटल सुबह से, ये देखो भाई से लोमड़ी को देखो, अब तो थोड़ा आराम से बैठ गया, मक्खियाँ बहुत आ रही थी पता है, बच्चे को निकालने की तैयारी चल रही है, देखो कैसे खींचना पड़ रहा है वो, नाबू वो आनी ना, नाबू देखो कैसे देख रहा है, इसे भी पता होगी लायक है, अरे रुक जाओ भाई साहब, इन दोनों ने तो, अरे रुक जा, इनकी ना मम्मी से मिलवा लाते हैं, चलो खाना भी ले चलते, इसको खाना भी खिलाया, ये देखो इसकी कंडीशन, अरे रुक जा, इसको ना चीज लगती होंगी, ओ भाई रुक जाओ, तो मैं आया हूँ पेट्रोल डलवाने, क्योंकि आपको पता है कल से ना दो दिन से पेट्रोल नहीं है स्कूटी में, और जब भी शाम को निकलता हूँ ना फिटिंग के लिए तभी याद आता है कि कहीं खड़ा ना हो, और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे देखना आके भाई, मतलब जगह भी नहीं है एकदम, पहली बार हुआ है कि हिमशु की स्कूटी में 502 रुपये का तेल एक बार में आया हो, सच में मैम आज तक 500 रुपये का नहीं है, पहली बार आया है, अगर ये बदतमीज है इन दोनों को बाहर निकाला है पोटी कराने के लिए, तो अपनी बॉडी का वेट छोड़ देता है बिल्कुल तो निकल नहीं रहे थे, अबे पोटी तो कर लो कम से कम, इन बच्चों को मम्मी से मिलाने इनकी, क्योंकि ये जब से आए हैं इन्होंने जिंदगी खराब कर दी, ये नहीं चुप हुए बिल्कुल भी, तुम करो तुम जल्दी से अपना जो काम करना पड़ा, बच्चे ले लो एक भूरा ले लो एक काला ले लो, बच्चे ले लो बच्ची, तो हम निकल तो गए थे लेकिन हमें याद आया कि मम्मी के लिए खाना तो भूल गए, मम्मी के लिए खाना नहीं लेके आए और बाकी बच्चों के लिए ग्रेवी लेके नहीं आए, तो अब हम दोबारा जा रहे हैं घर वापस लेने, और फिर दोबारा जाएंगे उनके पास, ढूंढते ढूंढते आधे रास्ते पहुंच लेते हैं, हमें रास्ते मिले हैं, थारा भाई ताशु सहयोग करते हुए यहाँ पे, ये चिंटू से वो कर रहा है बिल्कुल, पहचान के आ गया, ताशु रखी जल्दी जल्दी रख, क्या क्या, हाँ एक बर्तन, बर्तन में नाबू वाला लाया है, हम लोगों ने ग्रेवी भी ले ली है खाना भी ले लिया है, और हम अब निकल गए मंजिल की तरफ, मंजिल एग्रेसिव है सॉरी, हाँ और ये मेरे बाप का घर है तुम्हें पता है, मेरे पापा का नाम है सीताराम चौधरी सीताराम, मैं अपने बाप के घर आई हूँ, कोई नहीं रख सकता मुझे अब तो, और मैं अपने बाप के घर में कुत्ते पाल रखे, तो ये एक मिनट तुमने कुत्ते को दे रखा है, देखो कितना पैसा हमारे पास है, देखो कितने एग्रेसिव है, देखो कैसे भौंक रहे हैं, यहाँ के देखो कितने एक्टिव एकदम, देखो देखो देखो, अरे हाँ यही आना था हमें, कह रहे यही तो आना था, और यहाँ के सारे चुप हो गए एकदम एकदम चुप, ये प्लांटर उठा रहा है, ये पत्थर उठा रहा था, वो ऊपर से बोली नहीं 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 नहीं, लड़ पड़ेंगे लोग आके, हिमशु क्या हो गया तुम्हारा फोन नहीं चल रहा, मैं कह रही हूँ मेरा फोन में कैमरे में हुआ क्या, ये पेट्रोल पंप का बिल भर रखा है इसमें हद है यार, मैं डर गई, बच्चे पपीज रेस्क्यू किए, ये है उनकी मदर, और कल रात ये हमें मिली नहीं थी, अब मिली है, इसके लिए हम लोग ये खाना वगैरह भी लेके आए हैं यहाँ पे, रुक जाओ खाना लाए आपके लिए, आ जाओ रुको जरा सबर करो, ये देखो कट्टा कैसा है, अब देखो व्लॉगर्स के साथ में अगर वो करोगे तो ये सब कुछ तो सबको तो व्लॉगर बनना है, इसकी माँ को बच्चों की माँ को खाने का लालच देख के ही लेके आ रहे हैं ढूंढ के, हाँ ताकि दूध पिला देगी और बच्चों से मिलेगी तो खुश हो जाएगी,
हिमशु को देखो इधर, हिमशु कट्टे वट्टे लेकर आ रही है। भैया आओ एक बार। तो यहाँ पे रोहन, ये जो पिल्लू है ना, बाकी के इसके भाई हैं, पांच भाई बहन, उनके लिए वो बना रहे हैं घर शेड, क्योंकि कल रात से बारिश हो रही है। ये तो खेल रहे हैं मस्त, इनकी मम्मी नहीं आ रही पास में। भैया की बात सुनाते, भैया क्या बोल रहे हैं। भैया के वर्ड्स बहुत अच्छे लगे, सामाजिक सेवा। ये बात है भैया, सामाजिक सेवा ही हो रही है। ये देखो भैया ना, भैया ना ये वाला ताला तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से झांक के देख रहे हैं कि, लेकिन ताला मत तोड़ो यार, इसका भी है बिना मतलब क्यों कलेश लेना। कहाँ रहता है बंदा, चाबी मंगाओगे इतनी दूर से। ये जो होती है ना, इसकी ध्यान दीजिए, एज इसकी इस तरह से ये होती है। जस्ट किडिंग, जिस तरीके से आप बता रहे हो ना भैया, सच में लग रहा है आपका बिजनेस है। रात में रोहन बोल रहे हैं कि किसी को भंगेड़ियों को बुला के ये मलवा दो। भैया कह रहे हैं मर जाएगा इतनी खाके, देखना सब जगह भांग ही भांग है भाई साहब। मैजिक एक वो है, सीरीज है पूरी, बहुत सारे 300 कुछ एपिसोड हैं, तो उसमें ना इन चीजों की ज्यादा बताई गई है मैजिक। भैया ने बहुत सीरियस होकर देखी है, फिर एकदम भैया एकदम ऐसे पत्तियां एकदम सही बता रहे हैं। इनके जो पत्ती ऐसी है, उसमें दिखा था कि इसमें अंदर ना इनको एरो से बने होते हैं, इस तरफ होते हैं तो ये नशे के होते हैं, इस तरफ होते हैं तो ये। भैया बहुत सीरियस होकर देख रहे हैं, इनको बड़ा चिल्लाना है। कुछ नहीं बचेगा ना, ब्लास्ट में यही काम करूंगा। तो उन्होंने ना यहाँ पे ये ऐसा घर बना दिया इनका, ताकि आज कल एक दो दिन की जो बारिश है उससे ये लोग प्रोटेक्ट हो जाएं। रोहन ने मांगी कैंची, क्या मिला? चक्कू। कह रही चक्कू लेके घूम रही हूँ मैं। लेकिन चक्कू लेके घूम क्यों रही है? अच्छा वो कार्टन फाड़ने के लिए ना। तो हिंदी मन गदगद हो गया सुबह सुबह, प्रसन्न हो जाता है। इतना नहीं आती होगी ना आगे। बस अब क्यों बांधी हुई नहीं? हाँ। अगर मैं खाली ईंट बांधता ना। तो ये हमने फिर से एक और घर बना दिया बच्चों के लिए, छोटा सा शेल्टर। और रोहन बोल रहे हैं कि मेरे अंदर से भांग की इतनी बदबू आ रही है। तो फाइनली माँ अंदर गई इतनी मेहनत के बाद में, और खाना रखा है, खाना खा रही है। सुल्तान डॉग अर्जेंटिनो, कितने पारा है, कितना पारा। अरे वाह, इसकी आईज देखो, आईज से पता चल रहा है। ब्लू है, ब्राउन और दोनों। सुल्तान भैया आपकी आईज बता रहे हैं। नहीं जब ये अंदर ठंड लगती है ना, तो इस खाट पर बैठा था। चलो बस उस इंसान के पास रोहन के पास रहे। मैं तो तेरा पंखा, तेरा रूम ये सब दिखा रही थी, तेरा कूलर दिखा रही थी, इधर तेरी खाट दिखा रही थी भाई। अच्छा स्टेयर से भी चढ़ता है क्या ये? सीढ़ी लगा रखी है इसके लिए। है चिंतन, बाय बाय। खाना मम ये सुल्तान तो दोस्त होंगे ना, वो दोनों को खेलते होंगे मजे से। टिक्स हो गए इसको भी, इसको टिक्स हो गए थे, उसको टिक्स हो गए। तो बच्चे को मम्मी से मिलवाने के बाद, खाना खिलाने के बाद, उनका घर बनाने के बाद में फिर हम लोग आ गए यहाँ पे एलेक्स से मिलने। एलेक्स लग कैसा रहा शेर? रुक जा मेरे बाप, रुक जा। कैसा शेर सा लग रहा है, आगे से फेस पे बाल रह गए। इसी के नीचे बैठे, सब शेड के नीचे बैठे, सब शेड के नीचे बैठे है ना। बहुत अच्छा काम किया सच में। आजो सारे के सारे शेड के नीचे, तुम्हारे दो भाई बहन को लेके जाना है। देखो सारे बीच में हमने जो इतना सारा काम किया ना,
तो मैं एलेक्स की मम्मी का तो नाम ही भूल गई, लेकिन वो एलेक्स की मम्मी है। तो उन्होंने ना हमें वो मैंगो शेक और मुझे तो समोसा भी खिलाया। मेरे को समोसा नहीं खिलाया। तुम्हें खिलाया, तुमने खाया नहीं क्योंकि तुम जिम पर्सन हो। तो उन्होंने हमें मैंगो शेक वगैरह खिलाया, हमें 5 मिनट वहां लग गए और अब हम बच्चे को फिर से घर लेके जा रहे हैं। इतनी देर ही अपने भाई बहनों के साथ भी रह लिए और माँ के साथ भी रह लिए, दूध भी पी लिया। किटन्स आने वाली है मेरे पास। अच्छा, तो ये देखो रास्ते में जाते हुए मैंने ये बिल्ला कब देखा था, ये स्मोकी देखा था मैंने जब मैंने बच्चे को स्टरलाइज कराया था। रोहन को उसी दिन बता दिया था, रोहन को मन था कि मिलना है इसे बिल्लू से। अरे स्मोकी कुछ नहीं बोलते आप किसी को, कितना प्यारा है ना, कितने लंबे है इसके विस्कस ना, ये बिल्ला कितनी लंबी मूछ है तुम्हारी, ये बिल्ला। हाँ तो बिल्ला ही तो हूँ मैं, कब बोलूँ मैं बिल्ली हूँ। इसके विस्कस कितने प्यारे हैं, कितने लंबे। बच्चों का घर बना के आए, पपीज को साथ में लेके आए, गोलू भोलू को फिर से घर के अंदर कर लिया क्योंकि आज पूरा दिन मौसम खराब है। और अब नहा धो के, लग रही हूँ ना मैं नहाई धोई सी, अब नहा धो के हम लोग जा रहे हैं। रोहन के फ्रेंड हैं, मतलब फैमिली फ्रेंड हैं, उनकी मम्मी की डेथ हो गई है तो उनके यहाँ स्टेर भी है, तो मैं नहीं जाऊँगी, रोहन जाएंगे। मैं रुकूंगी अपनी दीदी के घर, बीच में बच्चों से भी मिल लूंगी, दीदी से भी मिल लूंगी, तो मैं उनके घर पे रुकूंगी उतनी देर, उतनी देर रोहन वहाँ पे होके आएंगे। देख तो लो कालू की बहन, कालू की बहन घुमारी कालू रुक नहीं रहा, मैं देख के नहीं। ओ अरे भाई देख तो लो, मैंने बताया ही नहीं था, अच्छा हमारी कोई बात ही नहीं थी कि मेरे साथ में गाइस धोखा हो गया। रोहन ने मेरे को पहले बोला था कि मैं तुम्हें अनुदी के पास छोड़ दूंगा और मैं हो आऊंगा 10 मिनट के लिए, लेकिन अब मुझे पता चला है कि मिलते हुए जाएंगे। तो ये तो भाई सरासर धोखा है, अगर आप ऐसा कुछ बताते तो मैं ऐसे चटक कलर नहीं पहन के आती दुख का टाइम है। मम्मी एज थी, हाँ जा चुकी है, देर भी थी, लोग उनके खाने पीने के लिए आए, हम तो खाने पीने के टाइम ही नहीं जा रहे ना, हमें तो कल से मुझे लग रहा है कल से रोटी नहीं मिल रही हमें। कर लो जिम, बना लो बॉडी और खा लो दवाइयाँ। दवाई खाने का असर भी तो तभी होगा ना जब आप ढंग से डाइट लोगे, ढंग से खाओगे, बच्चा तभी होगा ना जब आप खाओगे पियोगे अच्छे से, अपना ख्याल रखोगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं और गाड़ियों से पता चल रहा है, सफारी देख के समझ चुके हैं, त्यागियों के घर आए हैं, पर हंसना नहीं है, हम लोग वहाँ जाके व्लॉग नहीं बनाने वाले क्योंकि हम लोग 13वीं में आए हैं, लेकिन ये फॉर्च्यूनर समझ में आ गया कि घर यही है। तो हम लोग ना 13वीं से निकल गए और अब हम जा रहे हैं दीदी के पास, लेकिन जो हम जा रहे हैं आज ये है अलग ही रास्ता। अरे इधर से जाते हैं ना, आग में घुसेड़ दो मेरे, घुसेड़ दी क्या हैं, घुसेड़ दी क्या, तो लिटरली तुम्हें वीडियो में आ गया है, तुमने घुसेड़ दिया आग में मेरे। अरे हाँ, ऐसे घुसेड़ना होता है क्या, घुसेड़ना ही होता है, तुमने मैं वीडियो बना रही, तुमने मेरे चश्मे के ऊपर देखे मारा, पूछो किसी से ऐसे घुसेड़ना क्या, आप लोगों ने भी देखा ना वीडियो में, मैं बात कर रही हूँ रोहन ने ऐसे घुसेड़ दिया, ऐसे घुसेड़ना नहीं कहते। सुनो, एक तो हमारी स्लैंग एकदम गांव वाली जा रही है, घुसेड़ दिया, और मैं कभी कभी ना बिल्कुल इधर टिपिकल चल जाती हूँ, क्या करूँ मदर टंग है तो आ जाती ऐसे ना, आ जाती है कभी कभी बात, नॉर्मल बात करते करते भी निकल आती है, पर क्या करूँ, लेकिन सच में रोहन ने तो हम लोग निकल गए यहाँ से और अब हम लेके जाएंगे जो हमारे पपीज है जिनको हमने रेस्क्यू किया हुआ है डॉक्टर के पास में, उनके मैगट्स निकलवाने। घर पहुँच के सबसे पहले हमने उठाए बच्चे, हाँ इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और इधर ये देखो बोलो निकाल रहे हैं ताकि सुपोर्टी कर ले, सुबह से आज घर पे ही है, पार्क में चल रही है, और हम भाई निकले वापस जहाँ से आए वहीं के लिए। बिल्कुल लग रहा है जैसे कि आज तो ना पूरा दिन मेरा गाड़ी में ही निकल गया है, आना जाना आना जाना, अब जाके अब रात का टाइम अंधेरे का टाइम मिला है, अब हम इन बच्चों को लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, इनकी ड्रेसिंग होनी है और जो मरे हुए मैगट्स हैं वो निकलने हैं और ये चेक करवाना है कि कोई जिंदा तो नहीं है। तो अभी लेके जा रहे हैं हम लोग, और मुझे ना मसीह उतार रोहन सुसु करने का टाइम लगा, मेरे को हिमशु को बहुत तेज सुसु है, बहुत तेज सच में, मतलब मैं मुझे पता है मैं कैसे कंट्रोल करके बैठी हूँ, इतना सा टाइम नहीं लगा। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं क्लिनिक, और जो टाइम मैंने दिया था ना उससे 10 मिनट पहले हाँ इवन अभी तो बंद भी नहीं हुआ था ना, अभी है पेशेंट का कॉल आया था ना इसके वजह से वेट कर रहे थे। अच्छा झूठ मत बोलो, वेट कर रहे थे, तुम्हारे कस्टमर तो अंदर बैठे हैं, ये तो एंड टाइम पे है, मैं घुस के 10 मिनट में आई, या 9:05 पे आई, इन्हें भी मिल गई, नहीं तो फिर वापस जाती। चलो चलो हमें भला गया, तो भाई तुम्हारा भला हो गया, यहाँ पे कल वीडियो देखा था,
ढेर सारी मतलब जितने डाले थे ना मतलब 12:30 बजे YouTube पे देखी थी मैंने, सब पे लाइक करी थी। थैंक यू। तुम्हें अपने आप को देखा उसमें? मैंने कल की जो वीडियो डाली थी आपने, हाँ। कल आपने डाली थी वीडियो करीब 11:30 के समथिंग, सवा 11 के आसपास। तो मैंने नोटिफिकेशन आया तो मैंने उसको देखा 24 मिनट का या 25 मिनट का, आपने पूरा सुबह से लेके नाइट तक जो जो भी करा सब। ऐसी आज मिलेगा, आज भी तुम ब्लॉग में होगी। तो बच्चे पहुंच गए यहाँ पे, ऐसा लगा जैसे कोई कपड़ा घिस जाता है। तो ये देखो इन बच्चों के मैगेट्स इतने सारे एक में से निकले हैं, चावल बने हैं ऐसे, चावल जैसे ना बिल्कुल, राइस बने हैं। ठीक है तो ये तो हो गया है, बन गया है ये हॉट डॉग। हाँ ये हॉट डॉग है, ऐसे हॉट डॉग बोल सकते हैं। हाँ ये हॉट डॉग बन चुका है। अभी मैंने बोला कि सर इसकी पट्टी ना थोड़ी चौड़ी करना, खोल लेता तो सर कहते हैं ये तो फीमेल है, इसके तो जहां मर्जी तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ड्रेसिंग कहीं तो कर लो, सुसु करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका सुसु करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो मेल है तो उसकी कटिंग करनी पड़ी है जगह को। ह्यूमंस का अंडरवियर आता है ना लड़कों का, ऐसे कट लगा हुआ। गाइस समझ रहे हो ना, वो जो ऐसे कट होता है वो इसीलिए होता है। आज समझ में आया आपको? सर ने क्लियर किया है कि वो कट क्यों होता है, क्योंकि इसमें बनाया गया है कट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इसमें कट बनाया गया है ताकि ये सुसु कर ले, और इसको सर कह रहे हैं इसका तो जहां मर्जी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज कर लेंगे। तो सर को थैंक यू करना भूल गई थी, पानी पी रही हूँ बहुत ज्यादा दवाइयों की वजह से। अरे लुक जा, लुकते ही तो नहीं है ये बेचारी हिमशु। सुसु लग रहा है हिमशु को। और टाइम हो चुका है 10:30 हो गए। हाँ कोई बात नहीं, बस अब मैक्सिमम 12-13 मिनट हो। अभी जस्ट घर पहुंचे हैं और घर का माहौल देखो, देख रहे हो आप इन्हें बच्चों को। हिमशु को सुसु लग रहा है बहुत तेज, लेकिन सुसु करने नहीं जाएगी, पहले देख रही है कि गाड़ी तो कहीं नहीं लग जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, और खुद इतने ढब ढब करके मारती है दरवाजे। ये देखो ये देखो भाई, तो सरप्राइज बाद में दिखाना, तू पहले बैलून खुला के रखे हुए ताशे ने नाबू के लिए। तो आप यहीं पे खड़े हुए थे हैं, आप यहीं पे खड़े हुए थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं है बाहर, मम्मा को ढूंढते थे। अरे अच्छा ये लो, हो गया रिवील, ये लो। हाँ अब नहीं सुनेगा, अब नहीं मिलेगा। ये ताशु ने फुला के रखे हुए थे, तो हमने बोला कि हम ही ब्लॉग में लेंगे ही नहीं, लेकिन इससे काम बच रहा है। देखो हमशु दवाइयाँ गिर जाएंगी दवाइयाँ। अभी नाबू को जबरदस्ती पकड़ के लाया गया कि तू इधर आ बैलून्स में से, अभी भी उसकी नज़र बैलून्स पे ही है। ये मेरे सर का ताज है। है तो ताज ही छोड़ दो, ताज को, ताज को छोड़ दो, देखो ताज को, ताज कुछ और ही दिख रहा है। क्या सोच रहे हैं? तो भाई अभी जस्ट घर पहुंचे हैं, और घर पहुंच के खाना भी बना लिया घर पहुंच। हाँ इतनी देर में मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया है। हाँ। जितनी देर में आपने खाना बनाया है, सोचो मैंने इतनी देर में व्लॉग एडिट करा है। तो हमने मिल बांट के काम किया। हाँ ना गाइस, और अभी कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं, जस्ट व्लॉग। नाबू खाना खाएगा फिर हम खाना खाएंगे। मैं भी बोलूंगा। तो गाइस जस्ट अभी एडिटिंग खत्म हुई है और व्लॉग आपका डलने वाला है, और यहाँ पे नाबू को देख लो, ताशु को देख लो। ताशु कह रहा है आज के एंडिंग में मैं भी आऊंगा, क्योंकि मैं आजकल तुम मेरे को व्लॉग में ले नहीं रहे हो। गाइस मैं बड़ा हो गया तो गाइस
आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बहुत सारा प्यार दिखाओ। हम तब तक खाना खा लेते हैं, उसके बाद में फीडिंग पे भी जाना है। हमारा दिन अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि टाइम हो चुका है ऑलरेडी 11:30, और मैं 11:30 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक व्लॉग नहीं डला है। आने वाले 5-10 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो अरे रुक जाओ। तो ठीक है, आज के लिए शुभरात्रि और कल फिर एक नए दिन के साथ मिलेंगे।